आजादी के बाद पहली बार घोघी माको एवं अद्रो पहाड़ के पहाड़िया ग्रामीण टीवी का दर्शन करेंगे। दरअसल उपायुक्त राम निवास यादव कुछ दिन पूर्व घोघी माको एवं अद्रो पहाड़ का दौरा किया था, जिस दौरान उन्हें पता चला कि घोघी एवं अद्रो पहाड़ में पहाड़िया गांव में आज तक टीवी तक लोगों को नसीब नहीं है और लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। इसी को देखते हुए उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए उपायुक्त अपने पूरे वरीय पदाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक के साथ गांव का दौरा किया एवं पहाड़िया को समझाने का प्रयास किया। के माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित है गांव को लेकर, उसी व्यवस्था को हम लोग चेक करने के लिए, उसी को देखने के लिए आज हम बोरियो ब्लॉक के अधरो गाँव में आए हैं, जो कि पहाड़िया बहुल गाँव है। यहाँ पर हमने पता किया कि अभी किसी को ऐसा कोई बीमारी नहीं है, कोई खांसी बुखार से कोई नहीं है, परंतु यहाँ पे देखा गया है कि किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है, केवल एक स्टाफ है उसने वैक्सीन लिया है। मैंने प्रधान से भी रिक्वेस्ट की है, यहाँ की व्यवस्थाएं मैंने देखी है, यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था काफ़ी मतलब है नहीं, तो हम लोग उसमें भी कदम उठाएंगे। स्कूल यहाँ का देखा मैंने, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, वो भी ठीक करेंगे। इनका रोड का भी इशू था, हम लोग रोड का अनटाइड फंड से अगले 2-3 महीने में ही और प्रस्ताव लेकर और जल्द से जल्द बनवाने का ये प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इनका पानी का समस्या है अभी, क्योंकि दो यहाँ पे ट्यूबवेल बनाए हुए, दोनों ही ख़राब चल रहे हैं, तो हम आज शाम को ही जाके अभी PhD इंजीनियर को भेजेंगे, कल तक इनका वो भी ठीक कर देंगे। साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ देखा, अभी सभी ग्रामीणों से यहाँ बैठ कर बात की तो पता लगा कि गाँव में TV नहीं है, तो हम प्रशासन की ओर से इनको एक TV यहाँ दे रहे हैं, जिससे कि ये लोग जागरूक हों, उनमें देखें माननीय मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, देश में क्या हो रहा है। के निर्देश के बाद पहाड़िया गांव में TV लगा दिया गया है। एक TV घोघी माको में लगाया गया, दूसरा TV अद्रो पहाड़ के स्कूल में लगाया गया है, जिससे पहाड़िया ग्रामीण काफ़ी खुश हैं।